भीलवाड़ा जिला कांग्रेस की ओर से किसान कानूनों के विरोध में गाडरमाला से कारोई तक 13 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की गई। भीलवाड़ा प्रभारी व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि किसान 3 महीनों से सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में कांग्रेस सरकार किसानों के साथ मिलकर केंद्र की सरकार से मांग करती है कि इस कानून को जल्द वापस लिया जाए। तो वहीं उपचुनाव के सवाल पर शर्मा ने कहा, मोदी सरकार अपने मुद्दों पर पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, ऐसे में जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा, पूर्व विधायक विवेक धाकड़, कांग्रेस महासचिव महेश सोनी और भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन चेतन डीडवानिया मौजूद रहे। बीकानेर के कोलायत में कृषि कानूनों के विरोध में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी भी शामिल हुए। इस दौरान रामेश्वर डूडी ने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया। वहीं मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को भी मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। पूरे देश भर के किसान अपनी जायज मांगों को लेकर के केंद्र सरकार जो 3 काले कानून लेकर के आई है, उन तीनों ही कानूनों को किसानों की मांग ये है कि वापस लिया जाए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, 100 दिन से भी ज़्यादा का समय लगभग हो रहा है और सैकड़ों किसानों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। मोदी जी, अमित शाह जी बिल्कुल अनसुना कर रहे हैं किसानों की मांग को, जो कि जायज़ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे राहुल गांधी जी के आह्वान पर देश भर में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में आज खड़ा है। बाड़मेर में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गिड़ा पंचायत समिति के उतरनी मुख्यालय पर पेयजल योजना के संदर्भ में आम जन से संवाद किया। इस जनसंवाद में कई गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान पेयजल योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। बाड़मेर में पेयजल योजना को लेकर जनसंवाद किया गया। मंत्री हरीश चौधरी ने आम जन से संवाद किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में न्यायिक अधिकारियों के राजकीय आवासों का शिलान्यास किया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रप्रकाश श्रीमाली मौजूद रहे। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों के साथ शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। आपको बता दें कि RSRDC प्रोजेक्ट के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के राजकीय आवासों का निर्माण होगा। सीकर जिले के फतेहपुर में अभिभाषक संघ परिसर में अभिभाषक संघ द्वारा नव नियुक्त नगरपालिका चेयरमैन व पार्षदों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में फतेहपुर विधायक हाकम खान मौजूद रहे और अध्यक्षता अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गिरिधारी लाल निर्मल ने की। कार्यक्रम में फतेहपुर नगरपालिका अध्यक्ष मुश्ताक नजमी, रामगढ़ अध्यक्ष दुदराम चेहला, पार्षद प्रतिनिधि आरिफ, पार्षद जुनेद तंगाला, पार्षद सूर्य प्रकाश आदि का स्वागत सम्मान किया गया। को और नगर कांग्रेस के जैसे भी 40 फुट की ऊंचाई खरीदी तो उन्होंने 35 फुट पे निर्माण का काम चालू हो चुका है। टेंडर हो गई, रिपोर्ट हो गए, सब कुछ काम भी चालू हो गया सर। अब जो कार्य करेंगे सब। झालावाड़ जिले के उपखंड मुख्यालय पिडावा में संचालित इंदिरा रसोई का उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत ने औचक निरीक्षण किया, साथ ही इस योजना की भी जानकारी दी गई।
निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी राजावत के साथ नायब तहसीलदार रघुवीर भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों से खाने की गुणवत्ता के संबंध में भी जानकारी ली गई। वहीं रसोई में भोजन बनकर परोसने के लिए रखा था, अचानक उन्होंने रसोईया के हाथों एक चम्मच भोजन टेस्ट करने को मंगवाया और भोजन को टेस्ट भी किया। वहीं भोजन की गुणवत्ता की तारीफ करते हुए उन्होंने इसे बरकरार रखने के निर्देश दिए। भगवान देवनारायण जयंती के उपलक्ष में दौसा में एक शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। यह शोभा यात्रा गुर्जर छात्रावास से शुरू हुई और शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस गुर्जर छात्रावास पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों ने पूरी आस्था और विश्वास के साथ भाग लिया और नाचते गाते समारोह स्थल तक पहुंचे। इस अवसर पर गुर्जर छात्रावास में एक समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें समाज की प्रतिभाओं का अभिनंदन व सम्मान किया गया और बालिका शिक्षा तथा समाज की एकता पर जोर दिया गया। समारोह को बांदीकुई विधायक जीआर खटाना ने भी संबोधित किया और सभी से समाज हित में आगे आने का संकल्प दिलवाया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ एसीजेएम कोर्ट ने 24 मार्च 2012 को एक्सीडेंट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए बाइक चालक को 2 साल का कारावास और 20,000 रुपए से दंडित किया है। एसीजेएम न्यायालय के अभियोजन अधिकारी रविंद्र कुमार ढाका ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ के नेशनल हाईवे 52 पर आशीष होटल के पास अभियुक्त ने लापरवाही से बाइक चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में वाद पेश किया और कोर्ट ने इसी मामले में बाइक चालक को 2 साल का कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। थाना लक्ष्मणगढ़ उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 24/3/2012 को हम सालासर बालाजी सिंह बोलेरो गाड़ी से दर्शन करके वापस आ रहे थे। लक्ष्मणगढ़ आशीष होटल के पास हम रुके। वह होटल वाले से रास्ता पूछने के लिए मेरा भाई राजीव लोचन गाड़ी से उतरकर रोड पास कर रहा था, तो साइड में चलते हुए के मोटरसाइकिल चालक सुभाष ने तेज गति और लपुरे से चला करके टक्कर मारी, जिसमें मैंने थाना में रिपोर्ट दी, जिस पर थाना अधिकारी ने बाद अनुसंधान मुलजिम मोटरसाइकिल चालक सुभाष के विरुद्ध 279/304 आईपीसी का आरोप पत्र प्रमाणित मानकर न्यायालय में पेश किया। खबर दौसा के लालसोट से है, जहां पुलिस ने शहर के बीचों बीच कार्रवाई करते हुए सृजी होटल में छापामारी की और करीब 1.5 दर्जन से अधिक युवक युवतियों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है, जिनसे फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। पुलिस की कार्रवाई से मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम दौसा से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने बस स्टैंड के पास स्थित होटल पर छापा मारा और पुलिस ने 10 युवकों और 8 युवतियों को पकड़ा है। इन सभी के बारे में पता लगाया जा रहा है। खबर झुंझुनू के पिलानी से है, जहां देवरोड के पास पोपा की ढाणी से एक मासूम को बदमाशों ने अगवा कर लिया। वहीं घटना के बाद पुलिस की सख्ती को देखकर आरोपी मासूम को गाड़ा खेड़ा के पास छोड़कर फरार हो गए, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मासूम को घायल अवस्था में चिड़ावा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर एसपी मनीष त्रिपाठी सहित प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जहां एसपी मनीष त्रिपाठी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे इलाके में सर्च अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं और अलग अलग टीमों को बदमाश की तलाश में लगाया है।
वहीं बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया है। खबर जैसलमेर के नाचना से है, जहां पानी की डिग्गी में डूबने से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भारेवाला गांव निवासी रमेश भील डिग्गी की सफाई कर रहा था, तभी पांव फिसलने के चलते वह पानी में डूब गया। इधर रमेश को पानी में डूबता हुआ देख उसकी पत्नी और भाभी ने रमेश को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे दोनों भी पानी में डूब गई। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पानी से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। खबर सिरोही के शिवगंज से है, जहां फोरलाइन हाईवे पर वेरा रामपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने बाइक सवार दो युवकों को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गांधीनगर निवासी जवाना मुंगिया और धर्माराम बाइक से गुजर रहे थे, तभी पीछे से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी। वहीं हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। खबर श्री गंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक 2LPM गांव निवासी जसवीर सिंह अपनी पत्नी को उसके पीहर में छोड़कर वापस आ रहा था, जहां रास्ते में ही ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। मृतक के परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से है, जहां सालीवाला गांव में कच्ची दीवार गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक संतलाल पुनिया के नाम पीएम आवास योजना के तहत आवास मंजूर हुआ था, जिसको लेकर शनिवार को दोपहर को मकान बनाने के लिए नींव खोदने का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि दीवार काफी पुरानी थी, जिसको दूसरी ओर धक्का देकर गिराने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन दीवार संतलाल पुनिया और उसके बेटे और एक कारीगर पर गिर गई। वहीं मौके पर कोहराम मच गया, आसपास के लोगों ने तीनों को बाहर निकाला। वहीं मौके पर ही पिता पुत्र की मौत हो गई। वहीं कारीगर को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक की लहर छा गई। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। भीलवाड़ा के सारण का खेड़ा में हुए शराब दुखांती का मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि शराब दुखांती का मामले में मौत जहरीली शराब से नहीं, बल्कि शराब में जहर मिलाने से हुई है। यह जहर हथकड़ शराब बनाने वाले गुल्ला कंजर के भतीजे ने ही मिलाई थी। मांडलगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जहरीली शराब दुखांती का खुलासा करने पर जिला कलेक्टर ने पुलिस जांच टीम को बधाई भी दी है। के कारण टोटल 5 लोगों की डेथ हुई है। उसमें पुलिस टीम ने इन्वेस्टिगेट करके ये चीज़ सामने आई है कि जो मृत्यु का कारण है वो जहरीली शराब ना होके शराब में जहर का मिलना है। जो मृतकों का पोस्टमार्टम हुआ था, उनके विसरा की डिटेल्ड एग्जामिनेशन FSL जयपुर द्वारा करवाई गई। FSL द्वारा एग्जामिनेशन में सामने आया कि इस शराब के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड है और किसी भी शराब में मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस नहीं है। मांडलगढ़ के शराब दुखांतिका के परिप्रेक्ष्य में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एवं जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है इसकी फॉरेंसिक की, उसके बेसिस पे जहरीली शराब से डेथ नहीं होकर शराब में जहर मिलाने की वजह से डेथ होना पाया गया है। और ये सारे तहकीकात में
मैं समझता हूँ एसपी साहब का पूरा एनालिटिकल स्किल और उनका मार्गदर्शन में, और डिप्टी साहब और उनके साथ में पूरी जो टीम है, पूरा पुलिस महकमे का टीम ने बहुत अच्छा काम करके इसकी तह तक जड़ तक जाके सच्चाई सबके सामने लेके आए हैं। राजधानी के विश्वकर्मा थाना इलाके के अखेपुरा गांव में चोरी हुई कार के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल होटल में रखा गया एक अस्थायी कर्मचारी ही चोर निकला है। होटल मालिक ने इस कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया था, ऐसे में पुलिस को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल 12 फरवरी को घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई थी। इसके बाद परिवादी ने विश्वकर्मा थाना में मामला दर्ज करवाया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस ने आगरा, फरीदाबाद, दिल्ली सहित कई ठिकानों पर आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी। बाद में यूपी में आरोपी सुमंत के छिपे होने की जानकारी मिली। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने चोरी की वारदात को कबूल कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार व अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां बसवा पुलिस ने दो कार्रवाइयां करते हुए 1.5 साल पहले हुई चोरी की वारदात में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरे ट्रैक्टर चोरी के मामले में भी वारदात का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि बसवा थाने में 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी रामचरण मीना को पुलिस ने धर दबोच लिया है। साथ ही पुलिस ने एक अन्य वारदात का भी खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। करीब साल भर पहले 3 आरोपी और ट्रैक्टर तो बरामद कर लिया था, उसका एक आरोपी जो है फरार चल रहा था 1.5 साल से। श्रीमान आई साहब और एसपी साहब और पुलिस विभाग की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, पूर्व अपराधी जो फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के भरसक प्रयास कर और उन पर अंकुश लगाने के लिए, उसके मद्देनजर रखते हमने टीम गठित की और जो फरार चल रहा था आरोपी को हमने दस्तयाब किया है। और इसी प्रकार 19/2 को ही कोलाना से एक ट्रैक्टर फिर पुनः चोरी चला गया, उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमने तुरंत उसकी नाकाबंदी वगैरह करवाई और नक्शा मौका जब तस्दीक करने गए तो सूचना मिली कि वहाँ एक तालाब जो एचडी के पास में जो गांव है उसके पास तालाब के पास में ट्रैक्टर मिला। अपराधियों के लिए जो है टीम गठित की गई, ट्रैक्टर तो बरामद कर लिया लेकिन अपराधी जो है उनके लिए चिन्हित कर टीम गठित की, जल्दी ही प्रयास किए जाएंगे। खबर जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र से है, जहां डोडवाड़िया गांव निवासी श्रवण कुमार के कच्चे छप्परों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर सरपंच विकास कुमार सोलंकी और पटवारी गणपत सिंह भी मौके पर पहुंचे, जहां मौका मुआयना कर पीड़ित परिवार को सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। फिलहाल कच्चे छप्पर में लगी आग का खुलासा नहीं हो पाया है। अलवर जिले के राजगढ़ में राम मंदिर निर्माण निधि समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अलवर डेयरी चेयरमैन बन्नाराम मीणा का स्वागत सम्मान किया गया। आपको बता दें कि बन्नाराम मीणा ने राम मंदिर निर्माण के लिए जयपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पहुंचकर संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम को 5 लाख रूपये का चेक सौंपा था और अब 2 लाख रूपये और दिए गए हैं। इस मौके पर बन्नाराम ने कहा कि भगवान राम को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है, भगवान राम सबकी आत्मा में बसे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के नेताओं को भी राम मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में राम मंदिर निर्माण निधि के संरक्षक महंत प्रकाश दास, जिला संयोजक सतीश शर्मा, भाजपा नेता सुनीता मीणा, प्रदीप शर्मा, सुखराम मीणा, तुलसी शर्मा आदि मौजूद रहे। तो अपन द्वारा 23 तारीख में लगातार लगे रहना है और जो हमारा सनातन धर्म कायम होने जिसमें कि धीरे धीरे जिसके जिसमें मिलावट होना शुरू हो गई थी वो चीजें बाहर निकलेंगी और हमारे भगवान श्री राम के आदर्श और मूल्य हमारे जीवन में और हमारे परिवार में लागू होंगे, जिससे जो तनाव परिवारों में हो रहा है, जो स्ट्रेस लोग इतना तनाव में जीवन जी रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है।
गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।